फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करेंट अफेयर सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होगा फिजिकल के बाद, जिसमें 50 क्वेश्चन ट्रेड से, जो कि मैं 4 से 5 वीडियो बना चुका हूँ सफाई वाला ट्रेड से और कुक से। तो अब नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगा। और इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन का जो रीजनिंग मैथ जनरल अवेयरनेस है, उसमें से मैं जनरल अवेयरनेस में से जीके का जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, उस 10 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो पूरा वीडियो को देखे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कौन सा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल का नाम बताएं। तो हमारे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल है जनरल SHF J मानेकशॉ। शॉर्ट में बोला जाए तो मानेकशॉ के नाम से काफ़ी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको वहां पे टिक करना है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 1 आंसर सही रहेगा, बाकी 3 गलत रहेगा। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे सर्वोच्च शौर्य सम्मान पुरस्कार का नाम बताएं। हमारे भारत में सबसे शौर्य सम्मान पुरस्कार है परमवीर चक्र, जो काफ़ी जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिया जाता, जो डिफेंस से रिलेटेड है उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है कुछ अच्छे कामों के लिए। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, पुरी जो भारत के किस राज्य में स्थित है। पुरी एक तीर्थ स्थल है जो भारत के किस राज्य में है, तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा के निकट कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा के निकट पश्चिम बंगाल राज्य है। पश्चिम बंगाल का राजधानी क्या है, तो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी, 1911 में इस चेंज होकर दिल्ली हो गई थी। उसके बाद है इसमें 4 नंबर क्वेश्चन, पुरी कौन सा भगवान के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो पुरी एक 4 धामों में से एक धाम है, 4 धामों में से एक धाम माना जाता है पुरी को, और यहाँ जगन्नाथ भगवान का मंदिर स्थापित है। आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे और भी मंदिर है जिसका नाम आपको कमेंट करना है। उसके बाद दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षा बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड जो नेवी के अंतर्गत आती है, की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1978 ईस्वी में हुई थी। आपको कमेंट करके बताना है कि BSF की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शहीद एवं कुष्ठ निवारण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी को शहीद एवं कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, दाय भाव पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। यानी दाय भाव एक पुस्तक है जिसका लेखक जीमूत वाहन जी है, जो दाय भाव पुस्तक के लेखक है। पुस्तक से भी काफ़ी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे CRPF पैरामेडिकल एग्ज़ाम में। उसके बाद दिया हुआ है, इंडोनेशिया देश की राजधानी का नाम बताएं। इंडोनेशिया एक देश है जिसका राजधानी जकार्ता है, और इंडोनेशिया देश की मुद्रा का नाम बताएं, जिसका मुद्रा है रुपया। शायद रुपया भारत का भी है, जैसे रुपए भारत के है, रुपया इंडोनेशिया देश का है, और इसका राजधानी जकार्ता है। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़ा महासागर का नाम बताएं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, आपको कमेंट करके बताना है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो आज का इतना ही 10 क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम से है। मैं डेली इस चैनल पर 10 क्वेश्चन का सीरीज लाता हूँ, जो कि 500 क्वेश्चन का सीरीज रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मिलते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।